बिलासपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। नकली नोट के अवैध कारोबार में लगे एक युवक के घर जब पुलिस ने छापेमारी की तो उसके घर में नकली नोट छापने की मशीन के साथ साथ पानी की टंकी में एक महिला की लाश मिली जो कि 6 टुकड़ों में कटी हुई थी। आरोपी ने बताया कि ये लाश उसकी पत्नी की है। 2 महीना पहले उसने अपनी पत्नी की हत्या करके उसकी लाश को 6 टुकड़ों में काट कर पानी की टंकी में छुपा दिया था। हत्या की वजह उसके चरित्र पर संदेह करना बताया। खकरी टीआई सागर पाठक के मुताबिक उन्हें जानकारी मिली थी कि उसलापुर रेलवे स्टेशन के पीछे रहने वाला पवन सिंह ठाकुर अवैध नकली नोटों का कारोबार करता है, जिसके बाद उन्होंने उस पर नजर रखी और उसलापुर ओवरब्रिज के नीचे उसे रंगे हाथों पकड़ लिया नकली नोटों के साथ। उसके बाद उसके घर पर जब दबिश की गई तो 500 और 200 के नकली नोटों के बंडल भी मिले। उसने अपनी पत्नी की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। वह अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों के साथ वहां रहता था। उसकी बड़ी बेटी 5 साल की थी और उसका बेटा 3 साल का था। सीसीटीवी ऑपरेटिंग और रिपेयरिंग का काम करता था। जब उसे अपनी पत्नी पर शक हुआ कि वो किसी और लड़के से बात करती है और छुप छुप कर मिलती है तो उसने अपनी पत्नी की हत्या 5 जनवरी 2023 को कर दी। उसने यह भी बताया कि उसकी शादी लव मैरिज थी, उसने अपनी पत्नी से लव मैरिज किया था, इसलिए लड़की के घर वाले उससे कुछ खास रिश्ता नहीं रखते थे और उनके घर पे आना जाना भी नहीं था, इसलिए 2 महीने तक लड़की के मायके वालों ने भी कोई खोज खबर नहीं की। पुलिस ने आरोपी पवन सिंह ठाकुर और उनके अन्य साथियों को जो कि उनकी नकली नोट बनाने में मदद करते थे और मार्केट में खपाने का काम करते थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ चल रही है। आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुंज लाइव और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।